तो यार काफी अर्से से मैं सोच रहा था यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कभी टाइम नहीं मिल रहा, कभी क्या सीन होता, कभी कुछ भी। अब टाइम आ चुका है जनाब, इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए। बहुत गलत हो रहा है जनाब, पाकिस्तान सर्वर तबाह हो गया। मैं एक साल से नोट कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन हमारी पाकिस्तानी वाम फ्री फायर के सर्वर को खत्म कर रही है। देखो कोई भी ऑनलाइन गेम है वो चलती है यूट्यूबर्स, यूट्यूबर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा गेम अच्छी होगी, सर्वर अच्छा चलेगा, यूट्यूब सही रहेगी, गेम ठीक चलेगी। लेकिन जब हमारी जैसी ऐसी ऑडियंस होगी जनाब गिव अवे वाली, देखो 100% में से ना 10% लोग हैं मेच्योर, बाकी 20% हैं जो कि गंदे तरके लोग हैं। गंदे तरके से मुराद जो कि डीमोटिवेट करने आते हैं लोगों को, यूट्यूबर जो भी कुछ अच्छा काम करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने देखा है, बहुत जगह नोट किया है। मैं यूट्यूब पे जो भी मतलब के चैनल्स हैं ना जो अच्छा कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, मैं सबके चैनल देखता हूँ, ठीक है। बाकी जो दो तीन रोस्टिंग चैनल खुले हुए हैं, जितने भी रोस्टिंग चैनल हैं दो तीन से ज़्यादा ही होंगे, सारी सी बात है, तो उन पे भी मैं बात करूंगा कि वो क्या चीज़ गलत फैला रहे हैं, ठीक है, हमारी आवाम को क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 70% लोग रह गए ना, वो कौन से लोग हैं जिनको किसी चीज़ का इलम नहीं है भाई, बिल्कुल मलंग होके फिर रहे हैं, क्या नहीं पता उनको कि हमने अपने सर्वर में क्या करना है, उनको पता ही नहीं है भाई। यूट्यूबरों के जो वी बैच, मिसाल के तौर पे वी बैच के प्लेयर हैं, ठीक है, उनका नाम ही नहीं पता भाई ये वी बैच, ये देखो भाई बिग फैन, बिग फैन। आगे पूछोगे ना ये सीन होता है, भाई आप यूट्यूबर हो? हाँ जी यूट्यूबर हैं भाई, बिग फैन, बिग फैन। पूछोगे ना चैनल का नाम तो कहेंगे भाई वो तो नहीं पता। क्या हमारी आवाम की इमेच्योरिटी है सारी, ठीक है, मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि यार ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उनको बस ये पता है वी बैच देखा, जाओ उसके पास, उससे गिव अवे मांगो, नहीं देता उसको गलियां दे के आ जाओ। सिस्टम है तुझे की हो? Who the fuck are you? Are you Pakistani? तू पाकिस्तानी है? तू है तू सड़ियाल। मैं चीज आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्या चक्कर है। अब देखो कोई यूट्यूबर है, वो हर यूट्यूबर चाहता है उसका चैनल ग्रो, ठीक है, उसके पास ज्यादा व्यूज है, ज्यादा ऑडियंस है, लेकिन वो ऑडियंस किस आती है? अब हमारे जो लोग हैं इनके दिमाग में ये जनाब के गिव अवे करेंगे तो ऑडियंस आती जाएगी, ये वो। इस तरह मैंने नोट किया है, मैं एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ, पूरा साल मैंने बहुत कुछ किया है। गिव अवे जब आप करते हो ना, अब यूट्यूबर अपनी तरफ से गिव अवे करता है अवाम को खुश करने के लिए, अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अवाम हमारी इतनी कोई फुद्दू बन गई है ना कि भाई गिव अवे से नीचे कोई नजर ही नहीं आता। यूट्यूबर मेहनत करता है, लाइव स्ट्रीम करता है, उसको व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जब वो अपनी वीडियो बनाता है, कोई अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाता है, उस पर 500 व्यूज़, इस तरह सीन होता है। ये क्या हो रहा है इधर? मैं नहीं कह रहा मुझे सपोर्ट करो, मुझे जो सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं सपोर्ट करते सलूट सबको, जो नहीं सपोर्ट करते मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा चैनल है नहीं है कोई मसला नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, पढ़ाई है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ जनाब के पाकिस्तान में ना अच्छी ऑडियंस आए जो कि प्रमोट करे फ्री फायर को, फ्री फायर के यूट्यूबर्स को, मुझे ना करो कोई मसला नहीं। आई डोंट गिव अ शिट। मैं नहीं कह रहा, मैं मिंते नहीं करता किसी की, भाई मुझे प्रमोट करो, मुझे प्रमोशन मिले ना मिले कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, पाकिस्तान के अच्छा कंटेंट बनाने वालों को सपोर्ट करो ना, जो मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। आप लोग जनाब जो गिव अवे नहीं करता, ये बंदा ख़राब है जी, इसको हमने नहीं देखना है के बाद, ये वो जो जनाब रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करके या फिर गलत अंधविश्वास जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो अंधविश्वास वगैरह गलत फहमियाँ फैला रहे हैं लोगों में, जो चीज़ गलत है अवाम उस पर फुल यकीन करेगी क्योंकि यार ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है, अंदर से बात कुछ और होती है, अपने व्यूज लेने के लिए वो लोग कर लेते हैं, अवाम में तो खुद ही बनी रहती है। मजाक हो रहा है। पहली बात है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में हर बंदा, हर छोटे से छोटा बच्चा, उसको भी आप पूछोगे वो भी आपको कहेगा यार मुझे वी बैच चाहिए, भाई किधर से मिलता है? मैं जिसको पूछता है ना कि भाई वी बैच किधर से मिलता है, मैं कहता हूँ ये राजा बाजार से मिलता है, साथ ले आओ जाके। देखो इंडिया की ऑडियंस, मैं आपको, मैं नहीं कह रहा इंडिया की ऑडियंस अच्छी है, मैं कह रहा हूँ इंडिया की ऑडियंस आप लोग जाके देखो एक दफा यार, उनका जो सपोर्ट होता है ना, वो ये नहीं होता भाई व्यू दे दो ये वो, नहीं, वो लोग सपोर्ट करते हैं इंडिया को, वो यूट्यूबर्स को इस तरह नहीं करते, वो कहते हैं इंडिया आगे आए तब जाके सुनोगा। इसी तरह की चीज़ मैं पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ, ये जिस दिन होगा कसम से मैं तुम्हें गिव अवे दूंगा, मैं खुद कह रहा हूँ भी जबान देता हूँ, इस वीडियो में बात करता हूँ, जिस दिन मैं देखूंगा अच्छा कंटेंट प्रमोट हो रहा है, मुझे ना करो, मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट बनाने की मैच्योरिटी वाला कंटेंट, थोड़ा सा मतलब कि इस तरह का हो कि आम हंसे उस स्टूपिड, ठीक है, कोशिश मेरी पूरी होती है। शुरू में जारी बात है, हर बंदा पैदाइशी तो नहीं स्किल लेकर आता ना, आस्ते आस्ते स्किल बढ़ती है सारी, मैं कोशिश करता हूँ जितना अच्छा कंटेंट बन सके हो जाए सीन, ठीक है। तो जिस दिन पाकिस्तान का अच्छा कंटेंट अच्छा प्रमोट हुआ, अच्छे व्यूज़ वगैरह, यूट्यूबर्स अदर यूट्यूबर जो पार्टनर प्रोग्राम में जो नहीं भी हैं, ठीक है, मैं पार्टनर प्रोग्राम लोग सही नहीं ले रहा,
मैं कह रहा हूँ जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में सबको प्रमोट करो आप लोग, सबसे मुराद ये नहीं हर चैनल के जाके, जो अच्छा कंटेंट बना रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छी चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है। ये रोस्टिंग वगैरह होती है जनाब, एक बंदा दूसरे को आजकल सबसे ज़्यादा हेट मिल रही है वी बैज वालों को, बगैर किसी वजह के। ये वी बैज इतने आराम से नहीं मिलता भाई मेरे, अगर आप देख रहे हो ना मेरी जान, वी बैज लेना बच्चों का खेल नहीं है भाई, रात को सोए सुबह उठे आपको वी बैज मिले। तरह कुछ भी नहीं होता। जो यूट्यूबरों का मैं दो तीन का नाम लेता हूँ, आरकेजी आर्मी, उसके बाद दूसरा हबीब गेमिंग वगैरह, रूफी वगैरह, ये मैं तीन बंदों का वैसे नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत हैं। इन्होंने जनाब मेहनत किया, इनसे एक दफ़ा जाके पूछना वी बैज के इनको किस तरह मिला, रात को सोए थे सुबह उठे थे इनको वी बैज आईडी में मिल गया। इस तरह कुछ भी नहीं होता। पार्टनर प्रोग्राम में जाना कोई इतना आसान नहीं है जानू, सारे कहते हैं जी पार्टनर प्रोग्राम में फ्री डायमंड। ये कुछ यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के जो अंधविश्वास, जो कि गलत फहमियाँ दिमागों में डाल रहे हैं लोगों के, यार गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ख़राब काम है ये, ठीक है। हमारी ऑडियंस बहुत ख़राब हो रही है इससे। पार्टनर प्रोग्राम में फ्री के डायमंड मिलते हैं ये वो, एक दफ़ा पार्टनर प्रोग्राम में आओ, आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, काम करोगे डायमंड मिलेंगे। ये इतना आसान नहीं है भैया, आप बैठे जी रोज़ाना आपको डायमंड मिलेंगे, मंथली डायमंड, ये इतने आराम से नहीं मिलते। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें वीडियो डालनी पड़ती है, अपनी डेली लाइफ में काम निकाल के यूट्यूब को टाइम देना पड़ता है, फ्री फायर को टाइम देना पड़ता है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला। जो लोग ये कहते हैं यूट्यूब पे, जनाब मैंने काफी चैनल देखे हैं, कह रहे होते हैं पार्टनर प्रोग्राम वाले फ्री का माल ले रहे हैं। भाई जान फ्री कुछ भी नहीं मिलता आजकल दुनिया में, फ्री में उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हर बंदा चाहता है पार्टनर प्रोग्राम मिले, मैं खुद कहता हूँ भाई आप लोगों को पार्टनर प्रोग्राम मिले, लेकिन उसके लिए है जो आपके सीनियर्स हैं ना, मैं नहीं, मुझे छोड़ दो, साइड पे करूँगी, जो आपके सीनियर्स यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के पार्टनर प्रोग्राम के, उनको आप सपोर्ट करो, उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मैं हूँ तो मैं हूँ, चल बस बस, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं। जानू कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के सर्वर को सपोर्ट करो, पाकिस्तान को सपोर्ट करो, तब पाकिस्तान की फ्री फायर आगे चलेगी। पाकिस्तान का सर्वर फ्री फायर का सबसे अच्छा सर्वर जा रहा है, ठीक है, इसको अपने हाथों से ना जाने दो। ये अब मेरी वीडियो में किसी को बात बुरी लगती है, अच्छी बात है, बुरी लगती है, क्योंकि ये मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो कि आवाम गलत कर रही है, जो कि पाकिस्तान में मेच्योरिटी कर रहे हैं, मेच्योर लोग हैं। लव यू ज्ञाना, उनको सलूट होगा मेरा, लव यू जनाब। सारे बंदे इसी तरह बाकी यूट्यूबरों को सपोर्ट करो, इसी तरह पाकिस्तान बढ़ेगा आगे। इस तरह आराम से नहीं बढ़ता फ्री फायर पाकिस्तान में, इस तरह नहीं चलेगी फिर, ठीक है। आ जाओ जनाब भाई, बिग फैन, डीजे लोग दे दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरह कुछ भी नहीं होता। ये मंगू वाले काम छोड़ दो, आप दो ना, आप दो ना। Mocha aya and the boy had to take it. The boy been waiting almost for a decade. Wo flex kare dress while the truth stood naked. I keep it real, pata hi nahi how to fake it.